हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये बच्चा देख रहे हैं मेरे हाथ में। फ्रेंड्स ये टैडी का बच्चा है और ये टैडी निकला है। आप मुझे कमेंट में बताना क्योंकि मैं इसके खड़ान दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी डर रहा है मगर ये है टैडी। मैं क्रॉस में निकला फ्रेंड्स, ये पूरा टैडी नहीं बना मगर जल्दी बन जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये बच्चा निकला हमारे यहाँ टैडी क्रॉस है। अभी पूरी तरह से टैडी नहीं बना, देखो ये इसकी चलने का स्टाइल अपना चेंज कर रहा है धीरे धीरे। ये देखो ये फ्रेंड्स टैडी क्रॉस आई, पूरी तरह से नहीं बना है। अब अगली जो लॉट आएगी हमारे यहाँ पर, वो हो सकता है टैडी फुल में आ जाए, पूरी टैडी आ जाए अगली बार जो इसके बच्चे आए। देखो फ्रेंड्स, अभी शौक कीजिए आप, कमेंट में बताना मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत हूँ। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि जो मुझे लग रहा है, और कल ये कलसरा नहीं है क्योंकि इसकी चोंच भी लंबी है, आँखें बहुत सियानपन है, मेरा हाथ में रुका नहीं है, पंजे भी और इसका स्ट्रक्चर भी, जो इसके परों का साइज है, पूंछ का साइज है, चोंच है इसकी पतली चोंच, देखिए आप लंबी चोंच है पतली चोंच है। तो आप मुझे बताना कि ये अभी डर रहा है यहाँ। तो ये बहुत से लोग कहते हैं तीन पंजों पे खड़े होते हैं टैडी, ये भी तीन पंजों पे खड़ा होता है और अभी डरा हुआ है। मैंने पकड़ लिया था इसको और देखिए आप, ये तो हमारा देसी कबूतर है घर का, ये बच्चे को चुगा चुगत दे रहा था बाहर। ये देखिए आप, 500 कराया था हम फ्रेंड्स में। ये देखिए आप, ये देखो फ्रेंड्स, अब आपको आगे का कमेंट में बताना कैसा बच्चा है। अभी पट्ठा ही है, 00 गली का, क्योंकि जो भी आ रहा है इसको और कहता है कि हाँ ये बच्चा हमको दे दो। ये देखिए आप, अभी थोड़ा ठीक होगा, ये मैंने पकड़ लिया था इसलिए थोड़ा डर गया है और बाहर अकेला है। तो कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कैसा है बच्चा, और ऐसी नस्ल रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये टैडी क्रॉस में निकला है फ्रेंड्स, पूरी तरह से टैडी नहीं है वो, मैं भी बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से नहीं है ये। अभी इसमें कुछ अंश हैं, उसमें 50% हो 40% हो, कुछ अंश हैं उसके टैडी वाले। देखिए आप, जल्दी टैडी की नस्ल भी हमारे घर पे होगी क्योंकि हम इसमें और इसकी अच्छे से निकालेंगे, इसको जो इसमें कमी रह गई है वो भी बच्चे अच्छे निकलेंगे, क्योंकि दो निकले हैं इसमें, एक इसमें अच्छा निकला, एक कलसरा निकला हमारा। देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबी चोंच देख लीजिए, आँख देख लीजिए, और ये देखिए आप। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया, चैनल सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो आती रहती है बाजार की भी और वैसे भी। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये भी कलसरा है हमारे घर का, और ये दूसरी नस्ल है फ्रेंड्स, ये वाली नस्ल नहीं है, ये दूसरी नस्ल है। तो कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि कौन सा पट्ठा है, जरूर बताना ताकि हम भी, अगर हम गलत हों तो हम भी सही हो जाएं, और अगर ये सही है कि टैडी में सही है तो फ्रेंड्स ताकि हम आगे को नस्ल इसकी बनाएं और मुरादाबाद में टैडी का भी शौक कराएं लोगों को, और सस्ते रेटों पर कराएंगे, ये नहीं कि बहुत महंगे महंगे कि 10-15 हज़ार रुपये, 500-600 रुपये हद से हद, 500-600 रुपये में टैडी, इस टाइप के टैडी तो 500-600 रुपये हमसे पट्ठे कभी भी ले जाना। ये घर के ही हैं अभी, तो अभी सेल के लिए नहीं है ये, आगे हम जब ज़्यादा कराएंगे ब्रीडिंग। आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा है, अगर अच्छा है तो हम इसको रखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। देखो कितना तेज है, हल्की सी, ये देखो ये है इसका, ये है देखो, ये देखिए आप, ये देखिए आप, बहुत तेज पट्टे हैं ये बहुत तेज है। देखिए अब बहुत से लोग कह रहे हैं ये पूंछ उठा रहा है पर नीचे कर रहा है, टैडी नहीं है,
ट्रेन से डरा हुआ है बहुत ज्यादा, वरना तो ये पूरा तीन पंजों पर खड़ा होता है जब ये अपनी फुल दीवार वगैरह बैठता है या फुल उसमें बैठता है। तो कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कैसा है।